तैमिया के अकीदे थे अल्लाह जिसम रखता है कहा के साहब रसूल की कब्र से शैतान आता है और यहां तक कहा अल्लाह नौजुब्लाज पर बैठता है तो उसके बैठने से अर्ज चरचर चरचर -चर करता है हिलता डुलता चर चराट की आवाजें भी आती है उसी ने किताब लिखी अब यह है किताब उस वक्त सामने नाम है मिनजु सुन्ना यह मेरे हाथ में मैं साथ में लाया हूं हाजुस सुन्ना में अपने तैमिया लिखता है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह शूरा आयत तेवी से अल्लाह फरमाते अजरन अल फिल कुरबा हबीब आप अपने मानने वालों से अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए कि मैंने जो तुम पर तबलीग की दीन इस्लाम तुम तक पहुंचाया अल्लाह की वहदानियत से तुम्हें वाकिफ कराया तुम जहन्नम में जा रहे थे जन्नत की तरफ मैंने पलटाया जो कुछ मैंने तुम पर एहसान किया इसके अवज में कोई उजरत नहीं मांगता कोई मौजत तलब नहीं करता मगर सिर्फ ये चाहता हूँ इमदता मेरे अहल बैस से मोहब्बत करो ये कुरान में है अब बताइए अहले बैत में इमाम हसन है या नहीं इमाम हुसैन है या नहीं खातून जन्नत है या नहीं एबन तयमिया सफा तीन सौ साठ पर मिनाहासुनना यह मौजूद है इसमें लिखता है कि इस आयत के जिम्र में इमाम हसन और इमाम हुसैन नहीं है इनकी ताजीम करने की जरूरत नहीं ये बैत ही नहीं है बोली देख रहे हैं आप एक मदीने में मरवान था जो कहता था हसन तेरा नबी से क्या ताल्लुक एक करवाला में था मुसनी जो कह रहा था हुसैन तेरा नबी से क्या ताल्लुक और छह सौ हिजरी में एक पैदा होता कहता इन दोनों का नबी से क्या ताल्लुक बोली वही है और दलील क्या दी अब दलील सुन लीजिए इसकी दलील भी तो दी ना वो भैया आलिम था वो भी जाहिल तो था नहीं मगर आलिम होना और है दलील का बचकाना होना और है दलील यदि कहा कि देखिए इस आयत के ज़िमरे में इमाम हसन और इमाम हुसैन इसलिए शामिल नहीं कि अल्लाह ने कहा कि अहले बैच से मोहब्बत करो तो इस आयत के जुमरे में इमाम हसन हुसैन नहीं है इनको खारिज माना जाएगा ये हजर के अहले बैत में नहीं शामिल होंगे हजूर के अहले बैत में नहीं गिने जाएंगे दलील का दलील ये है कि यह आयत मक्का में नाजिल हुई और इमाम हसन और हुसैन मदीने में पैदा हुए तो जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई उस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन थे ही नहीं ये दलील है तो जिस वक्त आयत हुई तो ये थे नहीं तो लिहाजा इस आयत में वो है नहीं तो ये तो ऐसी बात भी कोई कहे कि मुसलात ये वाकिला के लिए आया जब यह आयत नाजी हम तो थे ही नहीं तो हम नमाज क्यों पढ़े है ना बात तो ये वा तु जका जकत अदा करो मैं क्यों जका जब आयत नाजी साहबा थे उनके लिए आया मेरे लिए नहीं आया मेरा नाम ही नहीं है उसमें और एक अच्छी मिसाल दू और ताकि अपने तहमिया की जहालत समझ में आ जाए ये हजरत हमारे हजरत बैठे है मुबलिगे दावत इस्लामी सुनिदावी क्या नाम है निजामुद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन की निबत से हजरत निजामुद्दीन साहब के दो बच्चे हैं मुझे नहीं मालूम कितने मैं मिसाल दे रहा हूं दो बच्चे हैं हजरत ने देखा यार हिंदुस्तान में बड़ी तकलीफ जा रही है कारोबार बड़ा सुस्त और ठंडा है मोदी जब से आया कारोबार और डाउन हो गया अपना अच्छे दिन तो अपने नहीं आए उसके आ गए हैं तो दिन ब दिन कारोबार बड़ा इकोनॉमी घट रही है अपनी इकोनॉमी तो घट रही है ना हिंदुस्तान की तो चलो ऐसा करते यार सऊदी अरब चलते हैं वहाँ नौकरी करते हैं वहाँ तनख्वाह अच्छी मिलती है पैसा अच्छा है इन्होंने वहाँ एक कंपनी में अप्लाई किया अभी जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक हजरत की अहलिया को उल्टी होने लगी तबियत खराब हुई हजरत अपनी अहलिया को ले गए डॉक्टर ने कहा अरे निजामुद्दीन साहब मुबारक हो तीसरा साहब ज्यादा आ रहा है घबराने की बात नहीं है आपकी अहलिया की तबीयत खराब नहीं है अब हमारी भाभी सुन रही होंगी तो पता नहीं क्या सोच रही होगी <laughs> लेकिन हम मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए माजरत के साथ उनसे और तो का के बेटा होने वाला है बच्चा होने वाला है निज़ाम भाई बड़े खुश हो गए चलो दो थे अब तीसरा भी अल्लाह ने अता कर दिया मगर उसी वक्त वहां से अपॉइंटमेंट लेटर आता है और उसमें लिखा जाता है कि फौरन आइए नौकरी ज्वाइन कीजिए अगर दो दिन तीन दिन में आप नहीं आए तो आपको ये नौकरी नहीं दी जाएंगी अब ये परेशान एक तरफ एहल्या की यह हालत बच्चे की विलादत का वक्त है दूसरी तरफ नौकरी करने जाना है तो उन्होंने सोचा चलो नौ महीने में बच्चा आ जाएगा जैसे दो आएगी तीसरा भी आ जाएगा नौकरी अहम है बच्चों के लिए ही तो कमाने जाना है अपने भाई को बुलाया और भाई से कहा साल की बात है मेरे बच्चों का ख्याल रखना मेरे बच्चों की देखभाल बराबर करना और जो भी जरूरत हो रुपये पैसे की बिला झिझक मुझे कहना मैं वहां से आपको पैसे बैंक के थ्रू भेज दूंगा भाई साहब चले गए हमारे निजाम साहब नौ महीने के बाद हजरत का तीसरा बेटा भी या बच्चा भी दुनिया में आ गया अब भाई क्या करते हैं इनके अपनी भाभी से अच्छा सलूक कर रहे हैं अपने दो भतीजों से या भतीजियों से अच्छा सलूक कर रहे हैं कि जो तीसरा जो नौजायदा बच्चा इससे अच्छा सलूक नहीं है इनका ये बच्चे को दूध की जरूरत है दूध लाके नहीं देते दवा की जरूरत है दवा लाकर नहीं देते बच्चे की तबीयत अगर खराब हो जाए इनकी भाभी कहती है अपने भाई से कि देखो जी आपको हमारे शोहर ने बड़ी वसियत करके गई थी नसीहत करके गए थे बच्चा बीमार है हॉस्पिटल से कहा मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें जाना जाओ मैं नहीं ले जाऊंगा गर्स के तीसरे बच्चे के साथ बड़े बेरुखी का उनका अंदाज़ है तो एक दिन इन हज़रत हमारे निज़ाम साहब की अहलिया ने बड़े सख्ती से कहा कि यह क्या बात है तुमने अपने भाई की वसियत को पूरा नहीं किया उन्होंने कहा नहीं था कि मेरे घर वालों का ख्याल रखना मेरे घर वालों के बराबर लिहाज रखना और क्या आप मेरे तीसरे बच्चे के साथ ऐसा करते तो भाई जवाब देते देखो भाभी वसियत पर ही अमल कर रहा हूं जिस वक्त कहा था निजाम भाई ने कि घर वालों का ख्याल रखना उस वक्त यह पैदा नहीं हुआ था तो ये उस वसियत से खारिज है बताइए वो सही दलील है नहीं है क्यों वो दलील गलत है अगर वसियत वाला ये कह रहा है कि मेरे घर वालों का ख्याल रखो तो अब उस खानदान में जितने बच्चे पैदा होंगे सब उस घर के सब उसके अहल और इमाम हुसैन अगर चे मक्का में पैदा नहीं हुए आयत मक्का में उतरी हो लेकिन मदीने में पैदा हो लेकिन खानदान नबी का है खून नबी का है गोश नबी का है और ऐसा खानदान कि नबी ने कहा हुसैन और मिन्नी वाना बिन हुसैन तो ये खानदान रसूल का नबी का गोश नबी का खून तो कुरान ने कहा अहले बैत की इज्जत करो तो ये उसमें भी आएंगे तो ये तो इज्जत ना कर सके और हमारे इमाम ने कहा इब्ने तैमिया पागल हो गया है मक्के और मदीने के फर्क को वाजे करके अहले बैत से खारिज करता है अरे हुसैन पाक क्या तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सारा घराना नूर का नारे सुभान अल्लाह सुभान सारा घराना नूर का ये छोटा मसला है आपने इसको बड़ा लाइटली लिया होगा क्या हो गया यार इमाम हुसैन को मैं कहता हूं ये छोटा नहीं एक मिसाल दे रहा हूं अगर कोई मुझे यह कहे कि फारूक रजवी तू पठान ही नहीं है थोड़ी तकलीफ होगी ठीक है जान दे बाप पठान नहीं मानता तो शेख मान ले मुगल मान ले अंसारी मान ले जो मानना है मान ले लेकिन कहे फारूक रजवी तेरे बाप का नाम क्या है तेरे दादा का नाम क्या है मतलब मेरे दादा का नाम अब्दुल जब्बार खान है मेरे वालिद का नाम अब्दुल गफ्फार खान है कहा कि तू तो उनके खानदान से ही नहीं है तकलीफ़ होंगी क्या नहीं जरा तस्वूर करो जो ये कहना कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रसूल के खानदान से ही खारिज इससे बड़ी भी कोई गाली हो सकती है इससे बढ़कर भी कोई नासबियत हो सकती है मगर इबन तैमिया यह वाकई पागल था वरना हदीस रसूल हमें क्या बताती है ये जरा देखिए यह है, है मजमा जवाइ हदीस की किताब अमाम हैसमी की ये वहाबड़े पता नहीं अपने आपको क्यों अल हदीस बोलते यार अहदीस बोला करो आप हदीस तो पढ़ते हो नहीं तुम खामो का अपने आपको अल हदीस नाम टाइटल लगा रखा है ये मजमाऊ जवाइ है इमाम हैसमी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं जिनको वहाबड़े भी मानते ये भी मानते सब मानते हैं मजमाऊ जवाहद की जिन नंबर नौ सफा एक सौ नब्बे हदीज नंबर चौदह हजार नौ सौ बयासी अलामा इमाम हैसमी मजमाऊ जवाहिद में कहते हुआ निबने अब्बासन काला लम्मा नजलत कुम अलेही अजरन मवदता अब्दुल अब्दुल्हन अब्बास फरमाते हैं ये भी अहिल रसुल्ला के चचाजात भाई हैचाजाद भाई अब्दुल्ह अब्बास कहते हैं कि लम्मा नजाला जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई जिस वक्त ये आयत उतरी तो गोया ये इशारा कर दिया उन्होंने कि एक तो ये आयत एक बार नहीं दो मौके पर उतरी एक बार मक्के में उतरी और दूसरी बार फिर मदीदे में उतरी है

अल्लाह के नबी वो कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हम पर वाजिब की है मन खुराबतों का आपके वो कौन करीबी है आपके कौन लगते जिगर है कौन अजीज तरीन है कि जिनकी मोहब्बत हम पर अल्लाह ने कुरान में वाजिब की काला अली व फातमतो व अब ना हुमा का सुनो जिनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब है वो अली है वो फातमा है और इनके दो शहजादे हसन हुसैन है नबी ने एब में भी शामिल किया और फाज़े कर दिया कि इस आयत से मेरे शहजादे खारिज नहीं और ये छह सौ इकसठ डिग्री में खारी कर रहा है नबी अपने खानदान में लाए ये खानदान से बाहर निकाल रहा है और फिर यही नहीं ना